उल्टा हो गया। क्यों? कैमरा ऑफ हो गया था, सॉरी। अब ठीक है, इसमें चार्जिंग की खत्म है बिल्कुल। अब सही है, ये सूफी साहब ने फोटो लगाई हुई है एक तो। अब ठीक है, अभी सही है, जैसे सही है, वो खराब ना सही है। अब सही है, थोड़ा सा राइट तो अगर आप रिलेटिविटी में जाए ना, रिलेटिविटी थोड़ी सी पढ़े, थोड़ा सा कोशिश करेंगे ना, जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है रिलेटिविटी के ऊपर या क्या नाम है कॉस्मोलॉजी के ऊपर, ठीक है, या जनरल रिलेटिविटी के ऊपर, ठीक है, इसको इनमें पढ़ लिया, उसको साथ साथ पढ़ते रहा करेंगे, क्या रिसर्च वो सारी की सारी मैथ, ठीक है, तो आपको काफी चीजें वहां से सीखनी होगी, ठीक है। तो इसको जो चीज जो फिजिकली जो चीज एग्जिस्ट करती है रिलेटिविटी, उसको नाम देती है यूक्लिडियन स्पेस का, ठीक है। और जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, जिसको आप सिर्फ सबर करते हैं, जैसे आप सर्कल दूर से देखिए जा रही है सर्कल, लेकिन उसको आप फील नहीं कर सकते, ठीक है, एक लाइन या कर्व आप ड्रा करते हैं, जिसको आप 2D में दूर से देख सकते हो यार ये ड्रा है, ठीक है, लेकिन आप उसको फील नहीं कर सकते कि कैसी है, कितनी ब्रेड है, ठीक है, तो उसको नॉन यूक्लिडियन कहते हैं, ठीक है। तो दो चीजें, यूक्लिडियन या नॉन, तो अगर हम इस लाइन या प्लेन की बात करें तो ये आपको दूर से तो नजर आएगा, ठीक है, लेकिन आप इसको खुद से अगर ये देखें, ये प्लेन ही है ना, ये बोर्ड एक प्लेन है, लेकिन अगर इसको मैं जब उठा के बाहर निकालूंगा तो ये बेसिकली प्लेन नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा या क्यूबॉइड बन जाएगा, कोई एक चीज बन जाएगी, क्योंकि इसकी लेंथ विड्थ और हाइट ही हो चुकी है, ठीक है। इस शीट को कितना बारीक कर सकते हो आप, कितना बारीक कर लोगे, माइक्रो लेवल पे ले जाओगे, माइक्रो भी तो मेजरमेंट है ना, लेंथ ही है ना, ठीक है, फिर भी उसकी कोई ना कोई विड्थ रहेगी, ठीक है। तो हम इस शीट को पूरा बिल्कुल, अगर आप इसका वो बना लेते हैं जैसे एक जो प्लास्टिक शीट होती है आपके पास, अगर वो भी उखाड़ के लाए इसको वैसे बना लें, तब भी आप उसको फील कर सकेंगे यार ये तो एक 3D मटेरियल है, ठीक है, तो 2D मटेरियल को आप सिर्फ देख सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, ओनली दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप सारे के सारे 3D में शायद ही आपको ऐसा जिनको आप देख सकते हैं, लेकिन तो हम बात करते हैं 2D में इक्वेशन ऑफ लाइन की लीनियर इक्वेशन आता है, और 3D में इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। तो ये जो लाइन मैंने ड्रा की है, ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाती है, ठीक है। और इन लाइंस को अगर मिलाया जाए, सारी लाइंस को मिला दिया जाए, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक प्लेन बन, ठीक है। और प्लेन में अगर आप इसके थर्ड क्वाड्रेंट को जीरो कर, तो ये दोबारा किस में कन्वर्ट होता है, लाइन में, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ एंड थ्री डायमेंशन रिस्पेक्टिव, सही। अगर इसके बाद बात की जाए, लीनियर एंड नॉन लीनियर की थोड़ी सी बात करते हैं, तो जहां पे आपके पास सिर्फ इक्वेशन की बात कर, अलजेब्रिक इक्वेशन की बात कर, डिफरेंशियल इक्वेशन की नहीं बात कर रहा, सिर्फ अलजेब्रिक इक्वेशन की बात कर, तो जहां पे आपके पास दो वेरिएबल आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म आ जाए या वेरिएबल इन टर्म ऑफ फंक्शन आ जाए, फंक्शन का क्या मतलब है,
साइन का फंक्शन आ जाए, कॉस का फंक्शन आ जाए, बेशक वो साइन ऑफ एक्स आए, साइन ऑफ वाई आए, या साइन ऑफ जी आए, ठीक है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए, या इनकी पावर मोर देन वन या लेस देन वन आ जाए, तो उस केस में वो जो लाइन है वो लाइन ही रहेगी, वो किसी कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं वो क्या बन जाएगी, वो नॉन लीनियर बन जाएगी, ठीक है, वो क्या बन जाएगी, नॉन लीनियर बन जाएगी। तो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ तो वहां से आप जज कर सकते हैं कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर, ठीक है। नॉन लीनियर लाइन भी कर रही है, क्यों, क्या वजह, जो लाइन है वो भी कर रही है, हाँ भाई कैसे, लाइन को आप कर कह सकते हैं, चलिए ये बता दें ये जमीन सीधी है या गोल है, लेकिन यहां से वहां तक गए तो आप सीधे कर डायमीटर बढ़, ठीक है, ठीक होगी बात, और डायमीटर में इतना बड़ा कर दो फिर क्या होगा, तो अगर आप सर्कल की बात कर रहे हैं, इसका जो रेडियस होता है, रेडियस ही है ना, और ये इसका कर्वेचर, इसको हम कर्वेचर कहते हैं, जिसको रेट ऑफ बेंडिंग कहते हैं, ये कैपा, कैपा के नाम से इसको लिखा होता है, ठीक है, तो रेडियस या डायमीटर कह रहे हैं दोनों चीजें, is inversely proportional to curvature. Radius is inversely proportional to curvature. क्यों? जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाएंगे कर्वेचर क्या होता चला जाएगा, कम हो जाएगा, कर्वेचर किसको कह रहे हैं, रेट ऑफ बेंडिंग को, बेंडिंग क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, ऐसा ही है या नहीं, ठीक है, मैं जमीन का रेडियस बढ़ाता जाऊं तो ये और ज्यादा फ्लैट होती चली जाएगी, और आप इसको इतना बढ़ा दें रेडियस इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्स्टेंट टाइम ओवर कैपा, या कैपा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सी ओवर आर, और रेडियस को अगर मैं इन्फिनिटी कर दूं तो सी ओवर इन्फिनिटी क्या देगा, तो कर्वेचर जीरो हो जाता है, तो स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर जीरो है, तो उसमें बेंडिंग ही नहीं आ रही, नहीं आ रही ना बेंडिंग, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है, सिर्फ उसका कर्वेचर क्या है, जीरो, ठीक, तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं एग्जांपल ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर कर्व्स की बात, कर्व्स में आपके पास स्ट्रेट लाइन भी आ जाएगी, ठीक है, तो तो आप में से कौन सा ये बताएगा कि कौन सी लीनियर है, कौन सी नॉन, जिनमें वो नॉन लीनियर है, क्यों, जरूरी नहीं है,
डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो मैंने कहा कल बताया था आपको, डिफरेंशियल वो से डिफरेंशियल इक्वेशन दिखा रहे थे यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन और ये क्लास स्टार्ट हो जाता है ठीक है। यहां पे वेरिएबल्स को आप देख कौन से वेरिएबल आ रहे हैं, एक x आ रहा है दूसरा क्या आ रहा है y आ रहा है, तो किसी एक में भी अगर नॉन लीनियरिटी आ गई तो वो नॉन लीनियर ये नॉन लीनियर ये क्या अदर देन वन जो भी पावर्स की आएगी इसको देखो लीनियर y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x डिनोमिनेटर में नहीं चला जाएगा, ये x की वैल्यू निकालो तो y डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यार डिनोमिनेटर में तो ये क्या है इसको देखो x का स्क्वायर आ गया इसको देखे तो नॉन लीनियर है लीनियर है हाँ जी ये लीनियर है नॉन लीनियर है साल किस चीज को कर रहे में तीनों चलाओ तो लॉजिक बताओ कंसेप्ट बताया हुआ उसके मुताबिक चलो तो ये आपको फौरन जवाब मिलते हैं, कंसेप्ट बताया हुआ आपको उसके मुताबिक चले तो फौरन आपको जवाब मिलते हैं। मैंने क्या कहा तो क्या होगा हमें बाकी से कंसर्न नहीं है, क्या ये वेरिएबल किसी एंगल में आ रहे हैं, क्या ये वेरिएबल किसी चीज की पावर में आ रहे हैं, क्या वेरिएबल की कोई पावर आ रही है, हर जगह पावर इनकी क्या आ रही है, ये साइन ऑफ एक्स तो नहीं लिखा हुआ, ये साइन पाई बाय 2 एक्स तो नहीं लिखा हुआ, साइन तो बाहर आ रहा है, एक्स की पावर भी मान रहा है, वाई की पावर भी मान रहा है, जेड की पावर भी मान रहा है, डब्ल्यू की पावर भी मान रहा है, आपस में ऐड हो रही है सबट्रैक्ट को, तो ये लीनियर है बस, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी साइंस है यार, कभी तुम साइन से डर जाते हो कभी तुम, इसका मतलब है कि बस एक चीज तो मैं शुरू में बता दी उसके मुताबिक चलो तो वही बने, ये ये भी क्या है लीनियर है पावर वन 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 आपस में ऐड या सबट्रैक्ट ठीक है, ये तो ये भी लीनियर है, क्लियर हो गई बात, लीनियर और नॉन लीनियर को भूलना नहीं है, ये ना कल का वो किसान हमने तो कभी देखा ही है नॉन लीनियर क्या होता है ठीक है। इसके बाद आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन यहां पे मैं देख देता हूं क्या है, ए वन एक्स वन ए टू x2, a3, x3, and so on, an, xn is equal to, ये क्या है पूरी की पूरी लीनियर इक्वेशन, ये क्या है पूरी की पूरी एक लीनियर इक्वेशन। अब मुझे ये बताएं कभी ऐसी लीनियर इक्वेशन देखी है जिसमें तीन वेरिएबल देखी होगी आप, यस सर, तीन वेरिएबल में क्या बनता है, यूनिवर्स में क्या बनता है,
एक्स वाई जी, जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, थीटा बनाएगा, स्पेस कहलाएगा। अगर फोर वेरिएबल आ जाए या फोर डायमेंशन स्पेस, देखिए कभी आप सुना भी नहीं है, फोर डी है, क्या है फोर डी, क्या सुना है, क्या देखे, टाइम, ठीक है। फोर डायमेंशन कौन सी आपके पास, तीन तो आपके पास क्या है, एक्स वाई जी, और फोर्थ कौन सी है, टाइम, ठीक है। तो जब लेंथ का कंसेप्ट आया, लेंथ का जब कंसेप्ट आया तो उसके साथ टाइम का भी कंसेप्ट, कहने का ये मकसद है कि हम ये बात हमेशा रिलेट करते हैं कि यहां से वहां तक का डिस्टेंस अगर ट्रेवल करना तो कितना टाइम, ठीक है, यहां से लेकर जीरो पॉइंट तक का अगर आपने डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो कितना टाइम लगेगा। तो आइंस्टाइन ने जब ये कंसेप्ट दिया तो उस वक्त ना बड़ी बहस चली, बहस उसमें ये चली कि उसने ये कहा कि ये जो कंसेप्ट है ना लेंथ, इसको टाइम के साथ में लिया, हालांकि लेंथ के लिए ना टूर है टाइम, क्योंकि होता ये था कि यहां से अगर आपने जीरो पॉइंट जाना है तो बीच में एक बंदा सी आर की तरह हो, वो सूटे मारता रहे वो तो कभी भी नहीं पहुंचेगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइम डायलेशन का, ठीक है। तो टाइम डायलेट कर दे, फिर बाद में जाके इन दोनों चीजों को सेट कर दिया, ठीक है। तो ये तो आपको एन डायमेंशनल स्पेस नजर आ रही है, कितने डायमेंशनल है, एन डायमेंशनल, साइंटिस्ट ने तो कैलकुलेट किया अभी तक मैक्सिमम फोर डायमेंशन, जिसको आपने टाइम का नाम दिया उसको डिस्कवर किया, ठीक है, मे भी जितनी इंसान की सोच है इतना उसने डिस्कवर किया, ठीक है। तो आगे जितनी वो रिसर्च करता जाएगा मजीद वो सारी चीजें इन्वेंट करता जाएगा, ठीक है। किसी बंदे ने पूछा कि यार तुम जन्नत में क्या मांगोगे ना, उसने कहा मैं फरारी, अल्लाह ताला से कहूंगा मुझे फरारी दो। मैंने कहा जन्नत अगर दो चार छः आठ सौ साल बाद आए, सॉरी क्या मतलब आठ छः सौ साल बाद आए, तो उस वक्त फरारी क्या, ऐसी ऐसी फरारी आ जाए कि बंदा कहे कि यार इसको है, तो तुम तो फिर दुनिया में बहुत पीछे रह जाओगे और आखिर में भी बहुत पीछे रह जाओगे। तो जितने रिसर्च हुई है तो उसके मुताबिक हमें किसी चीज का पता है, लेकिन फिर क्या पता फ्यूचर में जाके एन डायमेंशन, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ फोर डायमेंशन, और फोर डायमेंशन भी आप टाइम के लेते, ठीक है। हम जैसे लिखते हैं एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी एंड मैक्सिमम जो फोर ले लेते हैं वो टाइम का है, एक्स वाई जी और तीसरी जो डायमेंशन की मूव करती है वो किसी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, वो क्या होती है, वो टाइम के। लेकिन एंड में आप एंड डायमेंशन पढ़ोगे सही, लेकिन हो सकता है देख सकते हैं यार। मैंने तो अभी तक चाइना वाले तो अपना सुना है, सूरज भी बनाने जा रहे हैं। हाँ ये सही बात है, 2019 में मैं गया था चाइना को, उनको बनाने जा रहे हैं, तो वो उनका ये कहना है कि हमने रात की रोशनी का वो है कि कॉमन कंसेप्ट, मतलब उनका अपना एक अपनी मतलब किसी दुनिया ने अगर तरक्की देखनी है ना तो चाइना चला, पाकिस्तान में सिवाय टिकटॉक के और कुछ भी सिवाय टिकटॉक के, किसी ने बाजू भी यूं कर लिया तो वो टिकटॉक बना ले, ठीक है ना, किसी ने कान के वीडियो पहन रख लिया उसकी लदा टिकटॉक, मतलब बकवास तरी बकवास अच्छे ठीक है, और फखर है मुझे ऐसे स्पोर्ट्स के ऊपर तो बात भी कर लेते हैं और बात कर लेते हैं। तो बहरहाल कहने का ये मकसद है कि
अगर आप लोगों ने तरक्की करनी है तो जाहिर बात है आपको चीजें सीखने के साथ साथ खुद से भी कुछ ना कुछ एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, वरना तो टिकटॉक में पड़े रहे। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स x1 is equal to k1, x2 is equal to k2, and so on, xn is equal to kn. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ नंबर यहां से लेके यहां तक सही है। अच्छा, such that इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर वन का नाम, ठीक है, such that इक्वेशन नंबर वन is satisfied when these values of x one to xn are substituted in equation number one. ठीक है, is a sequence of number one. यहाँ से ये side that equation number one satisfy when these values are substituted in equation. क्या निकल, क्या मतलब है कि चले इसको मैं example के साथ आपको करवा देता हूँ. x one plus x two is equal to minus one. तो मैं क्या कहूंगा, क्या चीज इसका सोल्यूशन होगा, मैं कहता हूँ कि x1 अगर मैं माइनस टू रखू और x2 इज इक्वल टू वन रखू और ये पॉइंट उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर क्या आएगा, माइनस वन आ रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये इसके रूट्स निकले हुए हैं, ठीक है, ये उठा के इस इक्वेशन में पुट किए जाए x1 x2 x3 xn की जगह, तो आंसर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाते हैं तो इट्स मीन these are the solution of this equation. Similarly, यहाँ पे minus two and one are the solution of ठीक है, so this is called the solution. अब आगे solutions की types of solutions, ठीक है, बल्कि type of solution से पहले एक हम और चीज पढ़ लेते हैं, दो चीजें, एक तो हम पढ़ लेते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, तो अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो क्या हो, ग्रेटर हो नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो गए, ग्रेटर हो गया नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बनेगी। फॉर एग्जांपल x माइनस y इज इक्वल टू 7, कितने इक्वेशन है और कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन, तो इसको अगर मैं यू लिख लू x इज इक्वल टू 7 प्लस y, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, y को अगर आप t पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 प्लस t नहीं बन जाएगी, सो दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ठीक है। और
x minus y या x minus z is equal to 9, y plus 2z is equal to 1. कितने इक्वेशंस हैं और कितने वेरिएबल्स हैं? ठीक है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है? ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन. तो हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. ऐसे लिखेंगे आपके पास x को मैं इन टर्म ऑफ z में लिख देता हूं, 9 माइनस 9 प्लस z, और y क्या बन जाएगा आपके पास? 1 माइनस 2z. ऐसा ही है ना? और z को अगर आप t पुट कर रहे हैं तो ये चीज क्या बन जाएगी आपके पास? x इज इक्वल टू 9 प्लस t और y इज इक्वल टू 1 माइनस 2. क्या ये पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन नहीं बनी? अगर आप इसको देखें x और y